करनाल के समीप गांव सिरसी के पास एक एक्सीडेंट में विशान नामक युवक की मौत हो गई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में लाया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिरसी के नजदीक एक कार को कोई बलेरो गाड़ी टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर गई है, जिसमें विशाल नामक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि दादूपुर में विशाल अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया हुआ था। शादी समारोह समाप्त होने के बाद जब वह वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि जिस वाहन से यह एक्सीडेंट हुआ है उसकी पहचान हो गई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस दुर्घटना से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के मामा सतपान ने बताया कि जैसे ही वह शादी समारोह समाप्त होने के बाद जा रहे थे तो सिरसी के समीप यह हादसा हो गया, जिसमें विशाल उसके भांजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में कार्यवाही के लिए रखा गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल सर गांव मंजूरा के पास पहले से उसमें एक शादी थी गांव दादूपुर की सुखबीर की, तो वहां पर गांव के अपने रिश्तेदार वहां पर आए हुए थे, तो सुख ये लड़का है विशाल, ये जो रहने वाला यूपी से है, ये बाणजा लगता था इनका, ये भी शादी में आया था। छोटे बता रहे कितनी उम्र का? ये लगभग 19-20 साल लगभग है इसकी। अच्छा, तो ये जब शादी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना सबसे 5:30 बजे वहाँ से गाड़ी में चला था, तो जे सिरसी के पास कोई व्हीकल था, बलेरो वगैरह कुछ टाइप ऐसा व्हीकल था, तो उसने इसको एक्सीडेंट कर दिया जो गाड़ी पलटने के बाद पलट गई। मौके पे मौत हो गई? नहीं, दौरान इलाज यहाँ पर कल्पना चावला। तो व्हीकल का पता लगा जिसमें साइड मारी? व्हीकल का पता चल गया जिसमें बलेरो गाड़ी है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं उसकी, पकड़ लिया उसको? नहीं अभी नहीं सर, अभी तो ये कार्रवाई करने के बाद उसको अगली कार्रवाई जैसे भी आएगी। पढ़ता था बच्चा? नहीं बच्चा नहीं पढ़ा था। क्या मामला क्या सामने आया? ऐसे शादी में गए हुए थे, बारात जा रही थी नूर पैलेस मंजूरा, वहाँ से शादी का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद गांव में दादूपुर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैं इनके पीछे पीछे ही था दूसरी गाड़ी में, तो आगे जो कोई दूसरी गाड़ी थी बाहर उसको साइड मार के चले गए। पढ़ता था बच्चा? नहीं जी पढ़े नहीं। तो क्या कोई बलेरो वगैरह को पहचान कर ली, पता लग गया? नहीं बस वो नंबर तो उसका भी हमने पता नहीं लगा, बाकी पुलिस वाले कर। क्या चाहेंगे आप? हाँ जी आप क्या चाहेंगे? क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? कार्रवाई तो होनी चाहिए, जब इतने जवान बच्चा हमारा चले गए तो कार्रवाई तो गिरफ्तार होनी चाहिए। हाँ क्या नाम आपका? सतपाल। क्या लगते हैं आप उनके? मैं मामा लगू जी। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.